हेलो माय फ्रेंड्स, क्या हाल है। मेरा नाम है अमफावद और आप देख रहे हैं अमफावद यूट्यूब चैनल। आज मैं जो आपके लिए ट्रेलर लेकर आया हूँ वह है बॉलीवुड की नई आने वाली मूवी लवरात्रि। दो डेब्यूटेंट एक्टर्स हैं इसमें, आयुष शर्मा एंड वरीना हुसैन। आयुष शर्मा को तो आई थिंक काइंड ऑफ बॉलीवुड में काफ़ी फेमस हैं, वो न्यूज़ में भी रहते हैं बिकॉज ऑफ सलमान खान की सिस्टर के वो हस्बैंड हैं। तो उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है सलमान खान की सूरत में। सलमान खान इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं अंडर सलमान खान फिल्म बैनर्स। सो आई थिंक इससे अच्छा डेब्यू किसी एक्टर के लिए हो नहीं सकता। तो इट्स अ ड्रीम डेब्यू। तो उम्मीद करता हूँ आफ्टर ट्रेलर देखने के बाद, आई थिंक जो मैंने एक्सपेक्टेशन रखी है कि सलमान खान के बैनर तले जो मूवी बन रही है आयुष शर्मा को आई थिंक लॉन्च किया जा रहा है। तो होपफुली आई थिंक इट कम्स आउट एज अ पॉजिटिव। तो इससे पहले कि हम मज़ीद इसके बारे में बात करें तो आइए ट्रेलर देखते हैं, फिर मैं रिव्यू भी करूँगा और रिएक्शन भी दूँगा। तेरह सालों से पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन सुश्रुत जैसा एम्बिशन लेस लड़का नहीं देखा मैंने। बुला उसको, कहाँ है वो? कॉलेज में है, रात्रि बिफोर नवरात्रि के नाम पर पूरी कॉलेज सर पे उठा रखी है। जब पहली बार उससे मुलाकात होगी सारी दुनिया रह जाएगी सूखी, लेकिन तेरे सर पर हल्की हल्की बरसात होगी। हिंदी काफी अच्छा बोल लेती हो। फिरंग में ही हूँ, मने गुजराती आवड़ी छे। मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो। हाँ, सब अपने अपने में बिजी रहते हैं। I sometimes feel like an alien there. इस नवरात्रि में ऐसा जादू है, किसी को जादू जैसा फील नहीं होता। जो गाड़ा तारा चबीला तारा रंगीला तारा रंग वेर जुए तारी बात तारा। नवरात्रि में तुम्हारा बरोड़ा आना, हमारा मिलना, अटैचमेंट हो गई है मुझे तुझसे। वो जा रही है लेकिन 9 दिनों के बाद जा रही है। ये 9 दिन और 9 रात तेरे से कोई नहीं ले सकता। ये 9 दिन चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, तू उसका दिल जीत कर ही रहेगा। तो चलो उन्हें दिखाते हैं गरबा बॉय की पावर क्या है। एक इंडियन बाप अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सर आप इंडिया से तो बाहर आ गए, पर इंडियन बाप का एटीट्यूड आपसे बाहर नहीं आया। सर मैसेल सुश्रुत फ्रॉम बरोडा, आई एम अ गरबा टीचर। जिग्नेश भावेश गुजराती छोकरो छे, बरोडा से मारा सासरे थी छे। तो आप सब ने ट्रेलर देखा, कैसा लगा आपको ट्रेलर? मुझे तो थोड़ा मजा आया, थोड़ा किन से इधर। मगर आयुष शर्मा के बारे में कहूँगा, इट लुक्स क्वाइट फ्रेश। आई थिंक स्क्रीन प्रेजेंस इज़ क्वाइट गुड एज वेल। सलमान खान की थोड़ी सी उनमें लुक आ रही है, जिस तरह से वो चलते हैं और स्टाइल एंड एवरीथिंग। ऑब्वियसली आई थिंक ये तो बनता है, तो इस पर तो कोई दो राय नहीं। लेकिन आई एम क्वाइट सरप्राइज विद द डेब्यूटेंट वरीना हुसैन। शी इज़ beautiful, I think actress they have found. Looks stunning, screen presence is brilliant, acting wise she look quite confident as well. As I said, I think green eyes, she is beautiful. Aayush Sharma and Warina Hussain, I think their chemistry looks quite good on the screen. Storyline ke hisab se agar dekha jaye to
सेम टिपिकल रोमांटिक मूवी जो किसी भी डेब्यूटेंट एक्टर और एक्ट्रेस के लिए आई थिंक सम टाइम वर्क सम टाइम डजंट वर्क, मगर जिस तरह ये प्रेजेंट की गई है मूवी काफ़ी फ्रेश लग रही है, लोकेशन वाइज कलरफुल गुजराती टच, नवरात्रि आई थिंक पूरी 9 डेज़ के ऊपर बेस्ड मूवी है ये, तो इस 9 डेज़ के अंदर वो किस तरह अपनी मोहब्बत को पाना है उसने, टिपिकल लड़के का बाप हिज कूल डैड इज़ ऑलवेज, और मोहब्बत को हासिल करने के लिए टिप्स भी देता है और इनक्रेज भी करता है, एंड इन अदर हैंड ऑन अदर हैंड इट्स लड़की का बाप जो नहीं चाहता है कि कोई भी लड़का उसकी मर्ज़ी के बगैर उनकी बेटी से शादी करे या पसंद करे या मोहब्बत करे, तो इट्स टिपिकल स्टोरी, नथिंग न्यू, द ओनली थिंग न्यू इज़ वरीना हुसैन. I will give her 10 out of 10 for screen presence and debutant. She looks quite confident, brilliant. I think I quite liked her straight away. Aayushman is good as well. And hopefully I think he will have a long career ahead. So yeah, October mein release ho rahi hai movie. Aap isko jaake dekhiyega. Main bhi dekhunga. और तो देखते हैं जब ये मूवी रिलीज़ होगी तो कितना बिजनेस करती है या कितनी पॉपुलर होती है. यूजली सम टाइम मूवीज़ अगर सिनेमा में बिजनेस ना करें तो, लेकिन वो टीवी पर जब डेब्यू करती हैं तो इट्स अमेजिंग बिजनेस करती हैं थ्रू टीवी, और जो उसकी व्यूअरशिप आती है इज़ ब्रिलियंट. सो मेरी अभी थोड़ी मिली जुली इसमें कैफियत है, मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि इस मूवी को मैं आज ब्रिलियंट बोलूँ या down, but because of Warina I think I'll give this movie 5 out of 10 at the moment, so still 50-50. अब तक के लिए इतना ही. आप मुझे बताएगा आपको मेरा वीडियो कैसे लगा अपने कमेंट्स के ज़रिए डाउन बिलो, प्लीज़ ज़रूर राइट देम राइट नाउ, और अब मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियोज़, और मेरे वीडियोस को शेयर भी कीजिए, प्लेलिस्ट पर जाके देखिए, बहुत सारे वीडियोस मैंने शेयर किए हैं प्रीवियसली जो मैंने वीडियोस रिव्यू और रिएक्ट किए हैं, डेफिनेटली आई थिंक यू शुड वॉच देम एज वेल, और मुझे अपना फीडबैक दीजिए फॉर द इम्प्रूवमेंट और एनी वीडियो इफ़ यू वांट टू रिएक्ट और रिव्यू. मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा. अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, स्टे सेफ, खुश रहें, गुड बाय.